नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव स्वागत करता हूं आपका एलिवेट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टू द पॉइंट के सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वंशधारा नदी जल विवाद। हाल ही में यह नदी जल विवाद बहुत ही ज़्यादा काफ़ी चर्चा का मुद्दा रह चुका है और इससे आने वाले एग्जामिनेशन में संभावित प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई भी नदी जल विवाद जब चर्चा में होता है तो उसका अपना एक कार्ड होता है और इसी वजह से वंशधारा नदी जल विवाद चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों हम अपने टू द पॉइंट के इस टॉपिक में तीन भागों में इसको समझेंगे। पहला है कि वंशधारा नदी जल विवाद चर्चा में क्यों है, यानी कि वंशधारा नदी जल विवाद का चर्चा में रहने का कारण क्या है। दूसरा, वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पे हम बात करेंगे, यानी कि प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा होगा कि आखिर इस वंशधारा नदी जल विवाद का कारण क्या है। कोई भी अगर विवाद आया तो विवाद का कारण जानेंगे तभी उसका हम समाधान निकाल पाएंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसके तीन पहलुओं पे पढ़ाई करेंगे कि चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है और विवाद का कारण क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों पॉइंट आपको बताए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न भी बनेंगे। तो आज मैं आपको हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हर चीज़ आप तक सुविधानुसार पहुँचाई जा सके। आइए हम बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि वंशधारा नदी जल विवाद आखिर चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है। तो चर्चा में रहने का जो प्रमुख कारण है वो देखिए, वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार ओडिशा सरकार से वार्ता करेगी या बात करेगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर वंशधारा नदी जल विवाद की बात की जाए कि वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा टू द पॉइंट के फैक्टर्स में कि वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य का जल विवाद है। तो ध्यान रखिएगा दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। यह पहली बार नहीं है कि किन्हीं राज्यों के मध्य नदी जल विवाद को लेकर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इससे पहले भी कई बार कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी को लेकर भी ऐसे कई जल विवाद प्रावधान किए जा चुके हैं, लेकिन इन सभी जल विवादों को सुनता कौन है। तो इन सभी जल विवादों को सुनने के लिए एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया है, ISWRD, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिपार्टमेंट। यह अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 से प्रेरित है, जिसके अंतर्गत धारा 3 में यह निहित है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी नदी को लेकर जल विवाद गहराता है तो एक समिति का गठन किया जाएगा और उसी समिति के अनुशंसा पर केंद्र सरकार कार्यवाही करेगी और उचित फैसला सुनाएगी। तो यह जो वंशधारा नदी जल विवाद है दोस्तों, यह दो राज्यों के मध्य है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकार के मध्य। और इससे संबंधित एक और अन्य प्रश्न बन सकता है कि वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए किस राज्य ने अग्रणी राज्य की भूमिका निभाई। तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए अग्रणी राज्य की भूमिका निभाई है। इन सभी बातों को नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चर्चा में रहने के कारणों से दो प्रश्न बनेंगे, पहला वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य का जल विवाद है, तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य के मध्य का। दूसरा कि किस राज्य ने वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए अग्रणी राज्य की भूमिका निभाई है, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में कि कौन कौन सी बातें इसको चर्चा में रहने का कारण बनाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ। तो प्रमुख बिंदुओं पे अगर एक नजर डालें तो पहला बिंदु क्या बताता है हमें कि वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागवल्ली नदी के इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना तथा मड्डू वलासा परियोजना के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दो नदियों के बीच इंटरलिंकिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। कौन कौन सी नदी है देख लीजिए, वंशधारा नदी है और नागवल्ली नदी है। नागवल्ली नदी सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहले बिंदु को देखिए, वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागवल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना तथा मड्डू वलासा परियोजना के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। तो चलिए ठीक है, वंशधारा और नागवल्ली नदी के इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाना है, यानी कि दो नदियों को इंटरलिंक करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, और साथ ही मड्डू वलासा परियोजना
के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों मड्डूवलासा परियोजना की, क्योंकि मड्डूवलासा परियोजना के तहत ही वंशधारा नदी और नागवल्ली नदी की इंटरलिंकिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। यदि बात करते हैं मड्डूवलासा परियोजना की, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है दोस्तों श्रीकाकुलम, नाम देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा भी जा सकता है, आंध्र प्रदेश का जिला है श्रीकाकुलम। इसी जिले में मध्यम सिंचाई परियोजना को सुचारू ढंग से चलाए जाने के लिए मड्डूवलासा परियोजना लाया गया है। यानी कि यदि मड्डूवलासा परियोजना की बात की जाए तो यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसके द्वारा श्रीकाकुलम और विजयनगरम दो जिलों को पूरी तरह से जल की पूर्ति की जाएगी, यानी कि जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दो आंध्र प्रदेश राज्य के कितने जिलों को इसकी सुविधा मिलेगी, तो दो जिले हैं, एक श्रीकाकुलम है और एक विजयनगरम है। इन दो जिलों का नाम याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वंशधारा और नागवल्ली नदी के इंटरलिंकिंग प्रक्रिया के द्वारा मड्डूवलासा परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति पूरा करने का वादा किया है, और इसी उद्देश्य से मड्डूवलासा परियोजना लाया गया है जिसके द्वारा श्रीकाकुलम और विजयनगरम में पूरी तरह से जल की आपूर्ति की जा सके। तो मड्डूवलासा परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है जिसके तहत वहां के दो जिले, एक श्रीकाकुलम और दूसरा विजयनगरम को पूरी तरह से जल सुविधा मुहैया कराई जा सके। याद रखिएगा जब भी सिंचाई परियोजना का उद्भव होता है या सिंचाई परियोजना लाई जाती है तो सिर्फ एक उद्देश्य से नहीं लाई जाती है, उसके बहुउद्देश्य होते हैं। जैसे कि जलाशयों में यदि जल की कमी है तो जल की आपूर्ति के लिए, दूसरा पशु पक्षियों के पीने के लिए पर्याप्त पानी हो इस उद्देश्य से भी सिंचाई परियोजना लाई जाती है, और साथ में फसलों की बुआई समय पे हो सके और उनको उचित मात्रा में पानी की सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस वजह से सिंचाई परियोजनाओं को लाया जाता है। तो इसी उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने मड्डूवलासा परियोजना लाया है। किन दो जिलों में, एक तो श्रीकाकुलम है और दूसरा विजयनगरम। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि किन दो जिलों के लिए मड्डूवलासा परियोजना लाई गई है, तो आपके पास आंसर है, एक है श्रीकाकुलम और दूसरा है विजयनगरम। पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किन दो नदियों को इंटरलिंकिंग के लिए आगे लाया है, तो आपके पास आंसर होगा वंशधारा नदी और नागवल्ली नदी। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, इस परियोजना के जलाशय के लिए पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी नागवल्ली नदी में इंटरलिंकिंग बनाकर की जा रही है। यानी कि जो नागवल्ली नदी है उसकी मुख्य नदी कौन सी है, सुवर्णमुखी नदी, या सुवर्णमुखी नदी की सहायक नदी है नागवल्ली नदी जिसका वंशधारा नदी के साथ इंटरलिंकिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों यह हो गई प्रमुख बिंदुओं पे बात। अब देख लेते हैं वंशधारा नदी जल विवाद के कारण को, कि किस कारण की वजह से यह जल विवाद चर्चा में रहा है, और इसके साथ ही साथ हम एक दृष्टि उन जल विवादों पर भी डालेंगे जो इससे पहले विद्यमान रह चुकी हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे कारण की तरफ। तो विवाद के कारणों की बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2009 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद ISRWD अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद हेतु शिकायत केंद्र सरकार के पास दर्ज कराई। तो अधिनियम जरूर याद रखिएगा, यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अधिनियम क्या है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। इसी के तहत जो धारा 3 है उसमें यह बताया गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी जल को लेकर विवाद है, किसी नदी के नदी जल को लेकर विवाद है, तो उससे संबंधित राज्य केंद्र सरकार के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और उसके इस शिकायत पर केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी और उस समिति की अनुशंसा पर ही केंद्र सरकार निष्पक्ष फैसला सुनाएगी। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत शिकायत दर्ज कराने वाला राज्य कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद पर शिकायत दर्ज कराई, किसके पास, केंद्र सरकार के पास। अब इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं कि इससे पहले किन किन नदियों को लेकर, नदी जल धाराओं को लेकर विवाद रहा है। तो सबसे ज्यादा मुख्य रहा है आपका कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा है दोस्तों, यह 3 राज्यों के मध्य था, नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। कृष्णा नदी जल विवाद 3 राज्यों के मध्य था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। इसके समाधान के लिए जो समिति गठित हुई वह गठित हुई थी अप्रैल 1969 में।
अप्रैल 1969 में कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान के लिए कार्य किया गया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं दोबारा, जब कृष्णा नदी पर विवाद हुआ उसके लिए, दोबारा फिर कृष्णा नदी के जल पर विवाद हुआ था इन्हीं राज्यों के बीच, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। जब भी आपसे कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें तो ध्यान रखिएगा तीन ही राज्य आएंगे, महाराष्ट्र, आंध्र व कर्नाटक। इसके समाधान के लिए जो कमेटी गठित हुई वह गठित हुई थी अप्रैल 2004 में, नोट कर लीजिए। तो कृष्णा नदी जल विवाद तीन राज्यों के मध्य है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। वंशधारा नदी जल विवाद की बात की जाए तो दो राज्यों के मध्य है, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, अगला देख लेते हैं गोदावरी नदी को लेकर। तो गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी से जो जल विवाद था दोस्तों वह कुल चार राज्यों के बीच था। चार राज्य कौन कौन से हैं वह भी देख लीजिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो यह चार राज्य हैं जिनके बीच गोदावरी नदी जल को लेकर विवाद हुआ और यह बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय भी रह चुका। इसके समाधान के लिए दोस्तों जो कमेटी गठित हुई थी सबसे पहले वो अप्रैल 1969 में कराई गई थी। फिर 2019 में भी यह चर्चा का विषय रहा जिसकी अनुशंसा भी जल्द ही की गई है और कर्नाटक के पक्ष में फैसला गया है। तो इन सब चीजों को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन में अपना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।